गुजरात में सत्ता की सीढ़ी सुधी पहुंचवा माटे आपना राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाले एडी चोटी नु जोर लगाव्यू छे। बे दिवस गुजरात प्रवासे आवेला केजरीवाले भगवान कृष्ण की कर्मभूमि द्वारका में जनसभा संबोधी हती। तेमने पोताने भगवान कृष्णना आशीर्वाद होवानु कही केजरीवाले भाजप सरकार पर प्रहार कर्या अने मफत योजना माटे पोताने वरदान होवानु पण जणाव्यु। जैसा मैंने कहा, ये वरदान केवल मेरे को, पूरे देश में किसी कांग्रेस की सरकार ने जीरो बिजली नहीं दी, किसी बीजेपी की सरकार ने फ्री बिजली नहीं दी, पूरे देश में केवल दो राज्यों में फ्री बिजली है, जीरो बिजली का बिल आता है, दिल्ली में और पंजाब में, और तीसरा गुजरात में सरकार बनेगी, मार्च के महीने से आपके जीरो बिजली के बिल आने चालू हो जाएंगे। तो कृष्णनी धरती पर थी भाजप सरकार पर प्रहार करवामां पाछी पानी न करता केजरीवाले आडकतरी रीते भाजप ने कौरवों साथे सरखामणी करी दीधी। तेमणे कह्युं के जो भाजप पासे सीबीआई ईडी छे तो अमारी साथे भगवान कृष्ण छे। पूरी सेना है, इनके पास पूरी ताकत है, इनके पास पुलिस है, आर्मी है, एयरफोर्स है, सीबीआई है, ईडी है, हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण है। अत्यार सुधी युवाओं अने वेपारियों ने गेरंटी आपी चुकेला केजरीवाले खेडूतों माटे पण जाहेरात करी। तेमने पोतानी सरकार आवे तो खेडूतों ने दिवस में 12 कलाक वीजळी, नवेसर थी जमीन रीसर्वे की कामगीरी नो वायदो कर्यो, उपरांत टेकाना भावे पाकों की खरीदी नी पण गेरंटी आपवानी वात करी। तो पोरबंदर में केजरीवाले माछीमारों ने रिझववानो प्रयास कर्यो अने पाकिस्तानी जेल में बंद माछीमारों ने छोड़ावा प्रयास करवानी पण खातरी आपी। फसल बर्बाद होने पे 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उस किसान को मुआवजा दिया जाएगा। पांचवी गारंटी, नर्मदा बांध का जितना पूरा कमांड क्षेत्र है वहां पे एक साल के अंदर कोने कोने तक हम पानी पहुंचाएंगे ताकि किसानों को पानी मिल सके। और जो कर्जा माफी की गारंटी ईशुदान ने स्पेशल गारंटी दी है, उस गारंटी को पूरा करेंगे। विधानसभा की चूंटणी नजीक आवी रही छे, तेम तेम राजनीति नु स्तर घटतु जोवा मळी रह्यु छे। द्वारका में आम आदमी पार्टी की जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया केजरीवाल वखाण करवामां भान भूलिया अने भाजपा नेताओं माटे करी नाखी विवादित टिप्पणी। इटालिया केजरीवाल अर्जुन साथ सरखाव्या जारी के भाजपा नेताओं की सरखामणी राक्षस साथ करी नाखी। ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આવશે અને પાપના આ બધા પાપીઓનો નાશ કરી અને સમાજને છોડાવશે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો આવી ગયા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા હાજરા હજુર છે। અર્જુન બનીને અરવિંદ કેજરીવાલ પણ હવે અહીંયા આવી ગયા છે આપણી વચ્ચે। હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને આ ભાજપના રાક્ષસોથી છોડાવવા માટે અરવિંદ કેજરીવાલ જ્યારે અર્જુન બનીને આવ્યા છે, આપણે બધા એની સેના બની અને ગુજરાતની 2022 ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં જેમ ગોવાળિયા એક લાકડીનો ટેકો કર્યો હતો ને એટલો એક એક ઝાડુનો ટેકો કરવાનો છે।